Hey guys, welcome back to my channel. और this video is all about makeup under 500 rupees. तो मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे products list किए हैं जो आपको 500 के under available हैं. So let's check out the video. So guys, let's begin. So I have a complete set of makeup products that I use on the regular basis. तो one by one I'll start and share with you कौन से products हैं जो regularly use करती हूँ मैं and they are super duper affordable. सो गाइज, लिपस्टिक इज अ मस्ट फॉर एवरी वन. अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो या रेगुलर वेयर के लिए भी ये हमेशा ही चाहिए होते हैं गर्ल्स को. सो आई थिंक द बेस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस आर द लैक्मे रेंज, द एनरिच्ड लिप रेंज. ये दिस आई ओनली गॉट फॉर 150 रुपीज. गाइज ये बहुत टाइम तक चला है और ये शार्प करना होता है इसे. तो ये जो प्रोडक्ट है ये पर्टिकुलर, ये आपको कहीं पे भी किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा. दिस इज ओनली फॉर 150 और इसके अलग अलग शेड आते हैं. द वन दैट आई एम यूजिंग इज द बेबी पिंक वन, दिस इज 08. तो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दिस वन आउट. जो नेक्स्ट अफोर्डेबल लिपस्टिक ऑप्शन है वो है दिस वन इज फ्रॉम इनसाइट. गाइज आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम नायका और मुझे ये बहुत ही अच्छा कलर लगा. दिस इज ओनली फॉर 80 रुपीज. तो मुझे प्राइस वाइज बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज अ वेरी नाइस ऑरेंजी रेड शेड. तो यू कैन गो अहेड एंड परचेज दिस फ्रॉम नायका. इसका जो कलर है, पिगमेंट है, ये बहुत ही अच्छा है. बिल्कुल भी ऐसे ड्राई नहीं करता है. दो इट सेज मैट बट ये बहुत ही अच्छे से क्रीमी टेक्सचर है इसका. तो अच्छे से इट सिट्स ऑन योर लिप्स और बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है. नेक्स्ट आई हैव गॉट दीज टू शेड्स फ्रॉम L18. गाइज L18 के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं. मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. फ्रॉम द टाइम आई यूज टू गो टू स्कूल, उस टाइम से मैं इनके लिप बाम्स वगैरह यूज कर रही थी. सो द टू शेड्स दैट आई हैव इज वन इज द ब्राउन वन. लेट मी जस्ट शो यू. तो इनके ये दो शेड्स मैं करंटली यूज कर रही हूँ. वन इज दिस वेरी क्यूट लिटिल पिंकिश कलर और दूसरा है ये चॉकलेटी ब्राउन. चॉकलेटी ब्राउन मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ बट आई रियली लव बोथ द कलर्स और ये बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है. दिस कम्स फॉर ओनली 80 रुपीज. यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड फाइंड इट इन योर लोकल स्टोर या आप इससे इसको नायका या फ्लिपकार्ट, एमेजोन, बहुत सारे साइट्स पे आपको ये अवेलेबल है. अगर आप खुद टेस्ट करके आप लिपस्टिक लेना चाहते हो तो ये बहुत ईजिली लोकल स्टोर पे अवेलेबल है. गाइज ये दो और शेड्स है जो मैंने रैंडमली पिक किया था मार्केट से. सो आई गॉट दिस फ्रॉम जनपद. इवन दो वहां के प्रोडक्ट्स लोकल होते हैं, इनकी गारंटी नहीं होती है, बट दे वर जस्ट फॉर 50 रुपीज. सो आई थॉट वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई. दिस वन इज फ्रॉम मैट मी एंड दिस इज अ ग्रेट लिपस्टिक. इट्स अ कम्प्लीट ब्लड रेड. तो मुझे ये पार्टीज और ओकेजन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. उसके अलावा आई हैव दिस पिंक लिपस्टिक, तो ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. ये दिस इज इन द एग्जैक्ट सेम कलर ऑफ द पैकेज. मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ. गाइज ये इसका कलर है और बहुत ही अच्छा पिगमेंट आता है इस पे. ये बहुत ही अच्छा सा कलर देता है और बहुत ही क्रीमी है. बिल्कुल भी इरिटेशन या किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता लिप्स पे. बिल्कुल ड्राई नहीं करता. इट्स वेरी क्रीमी एंड नाइस. सो आई थिंक फॉर 50 रुपीज दिस इज अमेजिंग. गाइज नेल पेंट्स की अगर बात करें तो सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन में अभी मार्केट में अवेलेबल है L18 के नेल कलर्स. गाइज ये बहुत अच्छा पिगमेंट देते हैं. जो मैंने अभी करंटली लगाया हुआ है, दिस इज द येलो वन फ्रॉम L18 और इसकी प्राइस है जस्ट 60 रुपीज. तो इनमें काफी सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स अवेलेबल हैं और इनका जो एक मेरा जो फेवरेट है, दिस इज दिस मेटालिक ग्लिटर कलर. गाइज इसमें सारे ही अवेलेबल है. अगर आप लोकल स्टोर पे विजिट करते हो तो आपको ये इजिली अवेलेबल वहां पे होते हैं. और इसका जो प्राइस है, प्राइस वाइज इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. और L18 तो हमने बहुत टाइम से यूज करा हुआ है. सो इट्स अ वेल ट्रस्टेड ब्रांड. सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चूज योर फेवरेट कलर. गाइज अगर बात करें कॉम्पैक्ट की तो मार्केट में काफी सारे अवेलेबल हैं. बट अगर आप थोड़ा चीपर रेट में इसको यूज करना चाहते हो या अगर आप बिगिनर हो, आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है कॉम्पैक्ट यूज करना या मेकअप यूज करना, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज टू. ये द फर्स्ट वन इज बाय मेबेलिन और जो मेरा शेड है वो है पर्ल. आप अपने स्किन शेड के हिसाब से कोई सा भी चूज कर सकते हो. इसमें तीन शेड्स आते हैं. ये बहुत, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है. लुक्स एग्जैक्टली लाइक एनी अदर कॉम्पैक्ट. ये बहुत ही अच्छा सा पैकेजिंग होता है इसमें. इट हैज अ बिग मिरर. इसके अलावा इसमें एक छोटा सा पैड आता है विच इज फॉर एप्लीकेशन. सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दिस वन. इसकी प्राइस है ओनली 150 रुपीज और ये मेबेलिन का प्रोडक्ट है. सो ब्रांड ट्रस्टेड है. यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड गेट दिस वन.
उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा हायर एंड पे जाना चाहते हो तो ये मेबिलीन का सेकेंड वेरियंट है, दिस इज द न्यू रेंज विच इज द फिट मी फाउंडेशन। गाइज ये ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है, मैं पर्सनली ये वाला यूज करती हूँ, ये थोड़ा हायर एंड पे जाता है, दिस विल कॉस्ट यू समवट अराउंड 475 रुपीज, तो ये थोड़ा सा महंगा है कंपेरेटिवली इस वाले के, बट कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये ऑयली स्किन वालों के लिए है एंड दिस इज फ्रॉम द मैट पोरलेस रेंज, इस वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उसके अलावा मैं इसको भी यूज करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो आई थिंक दिस वन विल बी अ गुड ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग चीप। गाइज अगर आप बात करें आई शेडोज की और ब्लशेस की तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, काफी एक्सपेंसिव आइटम्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, बट अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन चाह रहे हो और अच्छी क्वालिटी में चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर स्विस ब्यूटी। गाइज ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, आई डोंट नो ये इतना अंडररेटेड क्यों है, बट इसके जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने जितने भी यूज किए हैं बहुत अच्छे हैं। दिस पर्टिकुलर हाइलाइटर इज माई फेवरेट, इसमें चार शेड्स हैं और ये चारों ही बहुत ही खूबसूरत हैं। मैंने इसका एप्लीकेशन आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा लगता है वंस इट्स अप्लाइड ऑन योर आईलिड और योर चीक बोन्स, बहुत ही प्यारा पिगमेंटेड कलर है इसका एंड द प्राइस इज वेरी अफोर्डेबल, आई जस्ट बॉट दिस फॉर 250 रुपीज, ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है, यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट परचेजिंग दिस अगर आप बिगिनर हो या अगर आप थोड़े अफोर्डेबल ऑप्शंस देख रहे हो। जो सेकेंड प्रोडक्ट है दिस इज फ्रॉम दी LA कलर्स, गाइज ये बहुत अच्छा पैलेट है, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है एंड एज यू कैन सी मैंने इसको यूज भी किया हुआ है, तो अगर आप कुछ सटल कलर्स देख रहे हो स्मोकी आईज वगैरह के लिए और थोड़ा सा क्रीज लाइन को हाईलाइट करने के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये दिस कम्स फॉर 380 विच इज अराउंड 400, बट इट्स वर्थ द प्राइस, तो अगर आप चाहते हो तो ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है अगर आप थोड़े से अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हो हाईलाइटर्स और आई शेडोज के लिए। गाइज आई मेकअप सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है और सब लोग काजल लाइनर ये सब हमेशा सबके पास अवेलेबल होता ही है, तो मेरे पास ये बहुत ही क्यूट सा लैक्मे का इंस्टा लाइनर है जो मुझे पता नहीं है मेरी कौन सी बॉटल है, मैंने इसको 1000 बार यूज किया हुआ है एंड सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग अप्लाइंग आई मेकअप मैंने यही वाला लाइनर यूज किया है, तो अगर आप लिक्विड लाइनर लेना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, इसकी प्राइस है ओनली 150 रुपीज, यू कैन ऑल्सो गेट इट ऑन डिस्काउंट फॉर 90 for 80 on Amazon or Nykaa, so you can definitely go ahead and try this one out. The kajal that I'm currently using is this L18 one. This is the Eye Drama Bold Black. Guys, जैसा कि ये बताता है ये बिल्कुल बोल्ड ही है और ये बहुत अच्छा पिगमेंट देता है आपकी आईज को और एंड आई रियली लव द ब्लैक कलर। ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ आई विल नॉट से बिकॉज कोई भी काजल स्मच प्रूफ नहीं होता है, बट कंपेरेटिवली लैक्मे या कोलोसल आइकॉनिक ये इन लोग के कंपैरेटिवली ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और जहां उनकी प्राइस 200-300 है इसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपीज है, इनफैक्ट आई गॉट इट फॉर 80 रुपीज ऑन Nykaa, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा। दो मैं काजल इतना अप्लाई करना प्रेफर नहीं करती बट फॉर सम डेज व्हेन आई वांट टू यू नो अप्लाई काजल ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है एंड फॉर द प्राइस दैट इट कम्स इट्स ग्रेट क्वालिटी। गाइज मेरे आईब्राउज के लिए मैं करंटली यूज कर रही हूँ इनिसफ्री का ऑटो आईब्रो पेंसिल, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, दिस कम्स फॉर ओनली 360 रुपीज और ये इनिसफ्री का प्रोडक्ट है, आई होप यू ऑल नो कि इनिसफ्री कितना अच्छा ब्रांड है, तो ब्रांड के हिसाब से इस प्राइस में मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अगर आप सेम अगर मेकअप रेवोल्यूशन लैक्मे या किसी और ब्रांड पे चेक करोगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, सो इफ यू वॉन्ट अ गुड आईब्रो पेंसिल यू कैन गो अहेड एंड परचेज दिस वन। गाइज ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि मुझे स्मोकी आईज करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो दिस इज फ्रॉम VOV, ये इटसेल्फ दिस केम फॉर 250 रुपीज, ये मिस क्लेयर का है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको भी स्मोकी आईज बनाना पसंद है तो आप इसको ले सकते हो। दो ये जो प्रोडक्ट है ये काफी महंगा है अगर आप देखे तो, क्योंकि 250 में आपको एक कंप्लीट आई शेडो किट मिल जाएगी, बट आई रियली लव द पिगमेंट तो मैंने इसको खरीद लिया। इफ यू वांट यू कैन गिव इट अ ट्राई, अदरवाइज यू कैन कम्प्लीटली स्किप इट और आप कोई नॉर्मल आई शेडो ले सकते हो जिसमें ये कलर अवेलेबल हो। सो मस्कारा लगाना सबको ही बहुत ज्यादा पसंद होता है, मस्कारा इज अ मस्ट इन एवरी गर्ल्स मेकअप किट, तो मेरे हिसाब से दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप मस्कारा लेना चाह रहे हो, मेबेलिन न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा। गाइज ये बहुत अच्छा है और मैं
नहीं, इसको इतना इतनी बार यूज किया हुआ है एंड ये बहुत अच्छा कर्ल देता है, बहुत अच्छा पिगमेंट देता है और इसका जो फिनिश है ये बहुत ही ज्यादा बेटर आता है अगर आप लैशेस पे लगा रहे हो और कंपैरेटिवली बाकी ब्रांड्स के, जैसे मैंने लैक्मे का आइकॉनिक वाला भी यूज किया है, बट इसका जो पिगमेंट है और जो इसका फिनिश है ये बहुत ही अच्छा है एंड दिस कम्स फॉर ओनली 250 रुपीज। इनफैक्ट मैंने इसको 230-240 ऐसे लिया था नायका सेल में, तो आपको ये इजिली कहीं पे भी अवेलेबल है और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो प्लीज अपने लैशेस को बर्बाद मत करो कोई भी रैंडम सा सस्ता सा प्रोडक्ट लगा के। मेबलिन बहुत ही अच्छा ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है और इसके जो प्राइसेस है ये बहुत नॉमिनल है, तो यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड गिव इट अ ट्राई। गाइज, अगर मैं बीबी क्रीम की बात करूं तो अभी मार्केट में सबसे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है लॉरियल का ट्रू मैच बीबी स्किन आइडियलाइजिंग बीबी क्रीम। दिस इज विथ SPF 35 P++++ और ये 24 आवर्स मॉइस्चर देता है। मैं इसलिए ये पर्टिकुलर वाला बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज किया हुआ है और ये बहुत अच्छा है। आप प्लीज जाके कोई लैक्मे सीसी या पॉन्ड्स बीबी क्रीम्स मत यूज करो, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा ही घटिया है। मैंने उनको यूज किया हुआ है, हमेशा मेरे एक पिंपल आ ही जाता है। लैक्मे सीसी फिर भी थोड़ा बेटर है, बट अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हो जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और आपकी स्किन को खराब भी ना करे तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वो लोग जिनको फाउंडेशन नहीं लगाना पसंद है, जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप यूज करना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जस्ट गो एंड गेट दिस। इसकी प्राइस है ना, दिस रिटेल्स फॉर 375 रुपीज, तो इस प्राइस में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया था तब दिस यूज टू कम फॉर 500, बट इसकी प्राइस थोड़ी नॉमिनल हो गई है एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड डिफरेंट वेरियंट्स। तो मैं जो यूज कर रही हूँ वो ये पर्टिकुलर है, दिस वन, दिस इज दी SPF 35 PA++। इसमें और भी ज्यादा वेरियंट्स है, यू कैन गो एड एंड चेक फॉर योर सेल्फ, बट डेफिनेटली गो एंड लुक फॉर लॉरियल पैलेस ट्रू मैच बीबी क्रीम। अगर मैं ब्रशेस की बात करूं तो मार्केट में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मैंने ये ब्रशेस पिक किए थे, आई गॉट दिस फ्रॉम फॉरएवर 21 एंड आई गॉट दिस फॉर 400 समथिंग। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मेकअप ब्रशेस होते हैं उनका जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप यू डोंट वॉन्ट टू यूज जस्ट एनीथिंग। तो आप मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट क्वालिटी एंड एट द गुड रेट। तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन नायका से भी, फ्लिपकार्ट से भी, तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है। और भी बहुत सारे ब्रशेस हैं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव साइट पे है, सिग्मा, मेकअप रेवोल्यूशन, इनके ब्रशेस बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। उनका सिर्फ एक काबुकी ब्रश बहुत ज्यादा महंगा होता है, दैट कम्स फॉर अराउंड 600-700 रुपीज। तो फॉर दैट आई थिंक ये ब्रशेस काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड फॉरएवर 21 इज अ रिनाउंड ब्रांड, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड गिव इट अ ट्राई। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे 500 के अंदर ही हैं, और जो भी बिगिनर्स हैं जो अभी अभी मेकअप करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो प्लीज़ यूज़ करने से बिल्कुल मत डरिए एंड गो अहेड एंड गेट योर ओन मेकअप किट फॉर बिगिनर्स।